हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू एनिमल फ्रेंड जोन। और मेरा नाम है अतुल। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पाकिस्तानी बिल्ली पालना चाहिए या नहीं, मतलब क्या इसका खर्चा है, कितनी बड़ी स्पेस में रह सकता है ये डॉग, और क्या इसका नेचर है, कैसा फ्रेंडली नेचर है, एग्रेसिव नेचर है, डाइट वगैरह सब कुछ, एक्सरसाइज कितनी एनर्जी है। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसको कितनी स्पेस चाहिए रहने के लिए। तो भाई इसको स्पेस तो भाई काफ़ी ज़्यादा चाहिए, और इसको अगर आपका घर छोटा है तो आप इसको बिल्कुल बाय ना करें। अगर बड़ा घर है आपका तो आप जब इसको सोचें, क्योंकि तो छोटे अपार्टमेंट वगैरह में नहीं रह सकता ये। और इसको डेली की एक्सरसाइज की बात करें तो डेली की मतलब 5 किलोमीटर की रनिंग चाहिए एक बारी में, 5 किलोमीटर मॉर्निंग में, 5 किलोमीटर शाम को। और मतलब इसको थकाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये ना जो भी इसको चीज़ इसको दिखेगी कपड़े वगैरह काटेगा, मतलब ये थका हुआ सोता रहेगा पूरे दिन घर पे, अगर थक जाएगा। वरना ये अगर इसके अंदर एनर्जी होगी तो हर चीज़ आपकी घर में जो भी आप उसको मतलब दिखेगा ना, कपड़े हो गए, आपके शूज़ हो गए, जो भी इसको चीज़ मिलेगी प्लास्टिक की बोतल, हर चीज़ काटेगा ये। और इसको नेचर, भाई नेचर इसका काफ़ी फ्रेंडली है, मतलब डिपेंड करता है आपको बनाने के ऊपर इस डॉग को। आप इसको फ्रेंडली बना सकते हो, आप इसको अग्रेसिव भी बना सकते हो। तो अगर आप इसको एग्रेसिव बनाना है तो इसको पूरे दिन बांध के रखो एक जगह, एक ही जगह बांध रहोगे तो इरीटेट होकर अग्रेसिव बन जाएगा। अगर आप इसको फ्रेंडली बनाना है इसको कभी मत बांधो, जिंदगी में खुला रखो इसको, हम इसको कभी नहीं बांधते। इसको भाई हैंडल करना जैसे इस रूम में थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो थोड़ा मीडियम होता है अप डाउन मिले। तो बाकी डॉग ये बहुत फ्रेंडली है अपने वाला। तो भाई ये इसका साइज बहुत ज़्यादा जॉइंट है इस ब्रीड का, जो कितने जॉइंट साइज है इस ब्रीड का। और अगर आप इसको रोड पर जब घुमाने लेके निकलोगे ना तो भाई इसको दुनिया से पूछेगी क्या चीज़ लेके घूम रहे हो। अभी नीचे बैठने की कर रहा है तो उसको बिठा देता हूँ, या तो बैठ गया। तो ब्रीड बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेंडली डॉग है, बहुत फ्रेंडली। और ये अगर अगर आप इसको एग्रेसिव बना दोगे तो बहुत एग्रेसिव भी बन सकता है। इसमें इतनी ताकत है कि ये किसी भी डॉग को किसी भी किसको जान से मार सकता है, इतनी ताकत है डॉग में। ये इसका नेचर दूसरे डॉग्स के लिए थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, अगर जो इसके साथ जो डॉग इसके साथ ब्रॉट अप हुआ है बचपन से, इसके साथ बड़ा हुआ है ना, तो ये उसके साथ फ्रेंडली रहेगा। तो भाई ये परेशान कर रहा था, बार बार बैठे जा रहा था, तो अभी इसको दोबारा खड़ा करा, अगर बैठ जाएगा तो अब आ जाएगा एंगल से। चेयर हटा दिया मैंने, स्टूल ले लिया। तो अगर इसका नेचर की बात करें दूसरे डॉग्स के लिए तो इसका नेचर थोड़ा एग्रेसिव है दूसरे डॉग्स के लिए इस ब्रीड का। और अगर आप इसके साथ में अगर जैसे जब बचपन से कोई डॉग इसके साथ ब्रॉट अप बड़ा होएगा तो उसको कुछ नहीं आएगा ये, बस इसके अंदर ये है कि अगर ये खाना खा रहा है और वो भी डॉग जो उसके साथ बड़ा हुआ है वो उसके पास आएगा तो अटैक कर सकता है उस डॉग पे, मतलब कर सकता नहीं करेगा 100% करेगा अटैक। ये इसके भाई ये ब्लड में ही है, और ये दूसरे डॉग्स के लिए एग्रेसिव है, जैसे गली का डॉग हो गया या दूसरा डॉग है तो उस पर अटैक करेगा ये 100%। और लड़ गया तो भाई बचा उसको बचाना मुश्किल है, बहुत इसमें पावर बहुत है, बहुत एनर्जी है, ठीक है। और इसकी ब्लड लाइन के बारे में बताता हूँ, ये कौन सी ब्लड लाइन से है। तो भाई ये प्रधान ब्लड लाइन से है, जो इसका फादर है वो प्रधान है, और जो इसका ग्रैंड फादर है वो है डॉलर, जो डायरेक्ट पाकिस्तान से इम्पोर्ट था। और इसकी मदर है स्टफी, जो डॉग था रिपीटर पाकिस्तान है डायरेक्ट इम्पोर्ट, उसकी डॉटर थी वो। तो इसका जो मतलब जो इसके सिबलिंग्स हैं ना, जो भी इसके सारे भाई बहन हैं बिल्कुल सेम है, कलर का डिफरेंस होता है पर सारे एक जैसे ही बनते हैं। अगर किसी को लेना भी होगा तो मैं जहाँ से लिया था, मैंने गंगानगर राजस्थान से लिया था, तो उनका नंबर भी डाल दूंगा तो आप उनसे बात कर सकते हो। तो भाई जो इसकी बेस्ट बात है ना, इसके इसके बाल ना बिल्कुल गिरते नहीं, हेयर फॉल नहीं है इसके अंदर, और बिल्कुल छोटे बाल हैं। जर्मन शेफर्ड लैब्राडोर होते हैं तो उनके ना बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो पूरे घर में हर जगह आपको बाल दिखने को मिलेंगे, बट इसके बाल नहीं गिरते बिल्कुल भी। और ये बहुत अच्छा गार्ड डॉग भी है, अगर आपने इसको ट्रेन कर दिया अच्छे से तो ये घर में किसी को घुसने नहीं देगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री। ये अगर आप इसको अच्छा रहेगा कि अगर आप इसको किसी बड़े एरिया में रखो, जैसे फार्म हाउस है आपके पास, या फिर अगर आप किसी विलेज में रहते हो, या फिर अगर आप यहाँ भी सिटी में भी रहते हो तो इसको घुमाने की जगह होनी चाहिए। जैसे हमारे पास तो घुमाने की इतनी स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो हमें ग्राउंड में लेके जाना पड़ता है दूर। और अगर आप इसको घुमाओगे नहीं ना तो इसके जो पैर है वो टेढ़े होने लग जाएंगे पीछे से, और इसे कच्चा फर्श चाहिए सर रहने के लिए, कच्चा फ्लोर चाहिए। और अगर हमारे यहाँ पूरा प्रॉपर वो है पक्का फ्लोर, तो इस वजह से ना थोड़ी दिक्कत आती है। तो भाई इसको संभालना यार बड़ा मुश्किल हो रहा है, बार बार बैठे जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है कभी लेट रहा है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, वीडियो में बार बार बंद करनी पड़ती है। तो भाई क्या कहते हैं, सबसे पहले भाई इसको ना पाकिस्तानी बुली कहना बंद कर दो, क्योंकि ये ब्रीड इंडिया में ना जब से है, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंस से पहले ये ब्रीड है, तो आपको पता है इसको क्या बोलना चाहिए। ये वैसे इंडियन बुली और इंडियन मैस्टीफ के नाम से भी फेमस है ये डॉग, और
ये इसका उन्होंने इसलिए फायदा उठा लिया, पाकिस्तानी पुलिस ने नाम दे दिया, क्योंकि हम ना अपने इंडियन ब्रीड्स को इतना महत्व देते नहीं है, हम उनको इतना ध्यान नहीं देते, और उन्होंने इस ब्रीड का नाम अपना रख दिया, ठीक है। तो और दूसरी बात देखो, ये वैसे कितना फ्रेंडली है, इसके मुंह में भी हाथ डाल दो तो कुछ नहीं खाएगा उसका भी, ये इतना फ्रेंडली डॉग है। मैंने इसको ऐसा ही बना रखा है, अगर आप चाहो तो ये अग्रेसिव भी बन सकता है, पर ये अपने मालिक के लिए बहुत लॉयल ब्रीड है, मालिक के लिए तो कुछ नहीं खाएगा कभी भी। ये देखो, हाँ बट ये थूक, हाँ इसकी डाइट बहुत हैवी है भाई, और डाइट की बताया तो जैसे मैंने इसको एक साल तक तो प्रॉपर रॉयल कैनिन जाइंट स्टार्टअप दिया था, और फिर धीरे धीरे जाइंट जूनियर, फिर जाइंट एडल्ट, ठीक है। और इसको आप तीन, अब इसको तीन डाइट देता हूँ मैं, सुबह इसको मैं दही देता हूँ 1 किलो, फिर लस्सी, और रात को उसका फूड चलता है, ठीक है। अब इसको बैठने देते हैं, आप खुद ही बात कर लेते हैं। अगर आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए तो भाई नीचे कमेंट कर दो आपको किस किस टाइप की वीडियो चाहिए, और मेरे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो, उसको आप कमेंट करके डायरेक्ट बात कर सकते हो। आपको कोई ब्रीड के बारे में पूछना हो, या फिर आपको कोई भी वीडियो का सजेशन देना है, आप नीचे कमेंट कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। अभी मैंने बोला नहीं है वीडियो लाइक सब्सक्राइब, पर आप फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, कर दो वीडियो को लाइक। तो भाई बादल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, तो मैं इसको भी नीचे भेज दिया है। तो मैं अभी मैं आपको दो तीन चीज़ें और बतानी थी, तो वो मैं बता देता हूँ। जैसे पाकिस्तानी बुली है, इसको और भी नाम से जानते हैं हम, इंडियन बुली, इंडियन मैस्टिफ, और बुली कुत्ता। पंजाब में लोग होली में, होली का मतलब होता है पंजाब में हैवीली रिंकल्स, मतलब ज़्यादा रिंकल्स, तो उससे इस वर्ड को लिया हुआ बुली, और कुत्ता तो डॉग होता ही है, तो बुली कुत्ता। और जो ये ब्रीड होती है, इसकी जो हाइट होती है ना, 30 इंचज से लेकर 35 इंचज तक चली जाती है, और जो इसका वेट है मेल्स में, मेल का वेट आता है 70 से 90 या 100 एडल्ट का, और फीमेल का रहता है 60 to 70 बस मैक्सिमम ये वेट है। तो इसका लीटर साइज है भाई, वो रहता है 1 से 8, एक बच्चा भी होता है और 8 बच्चे भी होते हैं, ठीक है। और जो इसका लाइफ स्पैन है वो है 6 से 12 साल, 6 साल भी जी सकता है और 12 साल भी जी सकता है पटो। और जो इसमें कलर आते हैं वो मोस्ट कॉमनली है वाइट कलर, ब्लैक कलर, और एक ब्रिंडल कलर आता है, और ब्राउन कलर भी आता है। इसमें मोस्ट कॉमनली 4 कलर आते हैं। जो भाई इस ब्रीड का ओरिजिन है ना, वो इंडिया ही है। मैं आपको पहले ही बताया था अगली बात अभी कि ये जो ब्रीड है हमारे पास इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले की है। और भाई जो लोग कई कुछ मतलब जो लोग इसको इम्पोर्ट कराते हैं पाकिस्तान से, तो इसको उस डॉग की ज़्यादा वैल्यू रखी हुई है इंडिया वालों ने। जो डॉग वहाँ से इम्पोर्ट होता है, जो उसकी ब्लड लाइन होती है ना, उसके पपीज़ काफ़ी कॉस्टली होते हैं। जो अभी तो बैन हो चुका है इम्पोर्ट, और कुछ लोग इस ब्रीड को फाइटिंग में भी यूज़ करते हैं, डॉग फाइटिंग के लिए। तो अब तो गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम से बैन कर रखा है, अब तो इसकी फाइटिंग 90-95% तो बंद हो चुकी है, बट कुछ जगह हिडनली होती होगी, कुछ कन्फर्म नहीं कर सकते। बट ये लोगों को नहीं कराइन चाहिए, अगर आप कराते हो वीडियो को देख रहे हो तो भाई बिल्कुल मत कराओ। ये डॉग आपके लोग इस ब्रीड के लिए इतने पागल होते हैं ना भाई, ब्रीड का कीड़ा होता है अंदर से, कि किसी ने देख लिया ना भाई ये डॉग पालना है, तो यही डॉग उसको यही रखना है भाई। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी है, जैसे मैं घर का गेट खोलता हूँ ना, तो ये जो भी गेट से बाहर भागने की कोशिश करता है, और मतलब इतना एक्साइटेड हो जाता है, इतनी एनर्जी आती है, अगर हम 3 बंदे इसको पकड़े ना तो हमें भी खींच लेगा ये, इतनी ताकत आ जाती है इसको जब इसको घूमना है। और जब हम इसको दिन में घुमाने जाते हैं तो भाई दिन में लोग ना इसको देख के उल्टे घूम जाते हैं, वो वापस से अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। कोई डॉग लेके आया अपना बंदा, तो वो साइड से अपना रास्ता ही चेंज कर लेगा कि इस रोड से नहीं जाना, ये जा रहा है इसको पार ले गए। और हम इसको रात को ही घुमाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, रात को वो भी 11, 11:30, 12 बजे छोड़ते हैं हम रोड पे बाहर, और आराम से घूमता रहता है। और कोई भी डॉग होता है गली के डॉग सबको जख्म जानते हैं इसको, वरना तो और कोई डॉग और कोई भी एनिमल होगा ना दूसरा, जैसे सुअर आ गया या फिर कोई भी गाय वगैरह, तो इस ब्रीड का नेचर है कि उस पर अटैक करना है, ठीक है। तो ये दूसरी ब्रीड पर अटैक करता है। अगर ये बचपन से जैसे आपके घर में गाय है भैंस है, तो ये उसको कुछ नहीं आएगा, उनके साथ बड़ा होगा तो उनको कुछ नहीं आएगा। बस मेरा एक्सपीरियंस था भाई, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और इंस्टाग्राम में डाल दिया।